तो गाइज हाल ही में किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स का ट्रेलर आया है। ट्रेलर आने के बाद हमने द प्लेनेट ऑफ द एप्स के तीनों पार्ट देख ली हैं। भाई साहब तीनों पार्ट मजेदार और दमदार हैं। तीनों पार्ट देखने के बाद चौथे पार्ट के लिए एक्साइटमेंट मेरी और बढ़ गई है। बात करें इसके चौथे पार्ट के ट्रेलर की, तो ट्रेलर के शुरुआत में ही एक लड़की कुछ वानरों से बचकर भागती नजर आती है, लेकिन तभी वहां सीजर आ जाता है। सीजर का बेटा हो सकता है। लड़की को बचाने वाले वानर का नाम है राका। इसके बाद राका लड़की को वानरों से बचा लेता है। क्योंकि इसका स्टोरी प्लॉट तीसरे पार्ट से थोड़ा टाइम जंप करता है, इसलिए हम वानरों को पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर करते हुए देख सकते हैं और इंसानों की हालत वानरों जैसी हो गई है, जहां इंसान सर्वाइव करने के लिए भाग रहे हैं। और ये वानर इंसानों से नफरत क्यों करते हैं, अगर आपने तीनों पार्ट देखी है तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन राका भी सीजर की तरह नजर आता है, मतलब कि इंसानों का करीबी। ट्रेलर में राका एक डायलॉग मारता है, एप्स हर्ट्स ह्यूमन, दैट इज द लॉ, बट द लॉ इज रॉन्ग। इससे हमें पता चलता है कि राका इंसानों को मारकर राज कर रहे बंदरों से अलग है और वो उन वानरों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ेगा। फिल्म आईमैक्स कैमरों के साथ शूट किया गया है, तो आईमैक्स थिएटर में फिल्म देखने का मजा डबल होने वाला है। ट्रेलर के आखिर में राका के हाथ पे एक बाज बैठता हुआ दिखाई पड़ता है। अब फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि इस बार ये बाज वानरों के साथ क्या करते हुए नजर आएगा। खैर ट्रेलर बढ़िया लगा, अच्छा लगा, कुल मिला जुला कर ये फिल्म ठीक ठाक हो सकती है। 10 मई को ही फिल्म थिएटर में आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि फिल्म को थिएटर में ही देखें और आपको भी बताएं कि ये फिल्म हमें कैसी लगी। फिल्म देखने का सबसे मजबूत कारण है इसके पहले तीनों पार्ट जो हमने देख रखी है, तो ये पार्ट तो देखना बनता ही है। किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स को डायरेक्ट किया है वेस वॉल ने। कुल चार लोग मिलकर इसकी कहानी गढ़े हैं। पहले हैं जोस फ्रीडमैन, दूसरे रिक जाफा, तीसरे अमांडा सिल्वर और चौथे और आखिरी हैं पैट्रिक आइशन। फिल्म में पैसा भी डायरेक्टर और राइटर्स ने ही लगाया है। वेस वॉल, रिक जाफा, अमांडा सिल्वर, जो हार्टविक और जेसन रिड ने। इस फिल्म को लेकर अगली बात 10 मई को होगी। कोशिश तो पूरी यही रहेगी, बाकी उसके बाद भी हो सकती है, लेकिन बात जरूर होगी। तो चलिए चलते फिर मिलते किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए खत्म करते हैं।